नेशनल हेराल्ड मामले में बढ़ने वाली है सोनिया राहुल की मुश्किलें। सोनिया और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा झटका दिया है? नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए इनकम टैक्स को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सीनियर नेता ऑस्कर फर्नांडिस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन जारी करने के आदेश दिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मूल्यांकन को कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही अमल में लाया जा सकता है। इससे पहले यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े 2011 से 2012 के उनके आयकर आलंकन को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। दरअसल इस मामले में 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दो विकल्प हैं। पहला, नोटिस जारी किया जाए और आंकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए, या दूसरा, 3 सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को जारी आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनने की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि 10 सितंबर को राहुल गांधी और सोनिया को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 2011 से 2012 के टैक्स आंकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की ओर से किसी प्रकार की राहत से इनकार ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आंकलन वर्ष 2011 से 2012 के रिकॉर्ड की जांच का रास्ता साफ हो गया था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।